Swayam Prabha, Digital India, Educated India. हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून दिस इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस किडनैपिंग एंड अब दिस इज़ माय टेंथ लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस इसेंशियल एलिमेंट ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन चूँकि मैंने माध्यम के रूप में हिंदी को चूज किया है और यह स्लाइड और यह चूँकि लेक्चर हिंदी भाषी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषी छात्रों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयार किया है और मुझे पूर्व विश्वास है कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप अवश्य लाभान्वित होंगे तो मैं ये बताने जा रहा था कि किडनैपिंग और एडेक्शन में क्या अंतर है इस इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आई के अंतर्गत किडनैपिंग और एबडेक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है उनके लिए पनिशमेंट का क्या प्रावधान है और उच्चतम न्यायालय का व्यू क्या है कैसे उच्चतम न्यायालय ने इन धाराओं को व्याख्या करते हुए अपहरण और व्यापहरण के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए अभियुक्त को दोषिद्धि प्रदान की है इस पर सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या हैं और उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए न्यायिक निर्वचन के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण और व्यापहरण के कई मामलों में जो क्लैरिटी स्टैचूट में कहीं एम्बिगिटी थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया है तो पहले हम स्टैचूटरी प्रोविज़न को देखेंगे वैधानिक प्रावधान को देखेंगे दृष्टांत को देखेंगे दोनों में अंतर देखेंगे तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केस को देखेंगे तो जैसा कि मैं स्लाइड पर आप देख सकते हैं मैंने व्यापहरण को दो भागों में बांटा गया है आईपीसी के अंतर्गत भारत में से अपहरण किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप थ्री सिक्सटी वन किडनैपिंग का शाब्दिक अर्थ चूँकि किडनैपिंग दो शब्दावली से भी बना हुआ है स्लाइड पर आप देख सकते हैं किड प्लस नैपिंग के आई डी किड मीन्स होता है चाइल्ड नैपिंग मीन्स होता है टू स्टील तो किडनैपिंग का शाब्दिक अर्थ हो गया टू स्टील अ चाइल्ड किडनैपिंग का जो ऑफेंस है इंग्लैंड में अंग्रेजी विद के अंतर्गत बाल चोरी करते हैं बाल चोरी का अपराध कहते हैं इंडिया में ऐसे बाल चोरी को डिफाइन नहीं किया गया परंतु हमारे यहाँ जो ये किडनैपिंग वर्ड यूज़ किया गया है सेक्शन 359, 360, नाइन के अंतर्गत किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापहरण और भारत की सीमाओं से व्यापहरण तो ये जो किडनैपिंग शब्दावली है मैंने जैसा कि बताया किडनैपिंग दो शब्द सब, दो शब्दों से बना हुआ है किड प्लस नैपिंग किड का मतलब है बालक चाइल्ड नैपिंग मीन्स होता है टू स्टील टू स्टील अ चाइल्ड तो किडनैपिंग का शाब्दिक अर्थ हो गया बाल चोरी टू स्टील अ चाइल्ड बाल चोरी से वस्तुतः तो तो यह बाल चोरी का अपराधी है और बाल बालक की परिभाषा क्या व्यापहरण किडनैपिंग के लिए दी गई वह यह कहा गया कि जहाँ पर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को और 16 वर्ष से कम आयु के बालक को उसके विधिपुण संकता से बाहर ले जाता है वह किडनैपिंग का अपराध करता है व्यापारण का अपराध करता है अर्थात व्यापारण के अपराध के लिए जो बालक की आयु फिक्स की गई और बालिका की जो आयु फिक्स की गई चाइल्ड उसमें बॉय और गर्ल की जो एज फिक्स की गई वह बालिका के लिए गर्ल चाइल्ड के लिए फिक्स की गई 18 ईयर्स से कम बालक के लिए 16 वर्ष से कम आयु का अब हम ये देखेंगे कि पुनः मैं स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये व्यापहरण के आवश्यक तत्व तो क्या हैं आप स्लाइड पर स्क्रीन पर देखें व्यापहरण का जो आवश्यक तत्व तो है अवयस्क या विचित व्यक्ति का विधिपूर्ण सदस्यता से बिहार ले जाना अवयस्क को को यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया अठारह वर्ष से कम आयु की बालिका है तो पुरुष बालिका और यदि पुरुष है तो वह सोलह वर्ष से कम आयु का दूसरा इसका एलिमेंट है कि जो माइनर चाइल्ड है दैट मस्ट बी बिलो 18 इयर्स इफ सी इज फीमेल और यदि बालक है मेल है तो मेल की आयु 16 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए तीसरा जो इम्पॉर्टेंट तत्व एलिमेंट है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि थर्ड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट उसका है किडनैपिंग का वह है कि विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर ले जाना विधिपूर्ण संरक्षकता से उस गार्जियन चौथा इसका एलिमेंट है विधिपूर्ण संरक्षकता की सहमति से बाहर ले जाना तो हम ये चार तत्व देख रहे हैं कि किडनैपिंग के अपराध में चार तत्व स्क्रीन पर आप देखेंगे चार तत्व हैं पहला तो ये हो गया कि अवयस्क या बिक्चित्कृत व्यक्ति को ले जाना अवयस्क व्यक्ति अवयस्क व्यक्ति की आयु क्या है ये डिफाइन किया गया कि जहाँ पर अवयस्क व्यक्ति अवयस्क व्यक्ति यदि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम आयु की यदि स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए तीसरा है कि ऐसे 18 वर्ष और सोलह वर्ष से कम आयु के बालिका अथवा बालक को विधिपूर्ण संरक्षकता से ले जाया गया हो चौथा है कि विधिपूर्ण संरक्षक की अनुमति सहमति के बिना ले जाया गया हो तो विदाउट कंसेंट भी इसमें एक तत्व है और लाफुल गार्जियनशिप भी है अब इसको एक एक करके देखेंगे कि लाफुल गार्जियनशिप क्या है और विदाउट कंसेंट ले जाया गया हो लाफुल गार्ज गार्जियनशिप यहाँ पे देखेंगे दो प्रकार की होती है लीगल गार्जियनशिप लाफुल गार्जियनशिप लीगल गार्जियनशिप जो है विधिक संरक्षकता के अंतर्गत माता पिता चाचा भाई कोई भी आ सकता है माता पिता को नेचुरल गार्जियन माना जाता है एज वेल एज विधिक गार्जियन लीगल गार्जियन इन माता पिता के अतिरिक्त जो भी अभिभावक हैं वे लीगल गार्जियन हो सकते हैं यदि न्यायालय के द्वारा अपॉइंट किया गया हो जो माता पिता जिस बच्चे के नहीं हैं ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा भी उसके मामा को मामी को या उसके चाचा चाची को जब तक वो वयस्क नहीं होता 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता न्यायालय के द्वारा उसका अभिभावक नियुक्त किया जाता है ऐसे अभिभावक को हम विधिक अभिभावक कहते हैं लीगल गार्जियन कहते हैं यहाँ शब्दावली जो उपयोग में लाई गई है प्रयुक्त की गई है धारा तीन सौ साठ इकसठ के अंतर्गत वह लाफुल गार्जियनशिप नॉट लीगल गार्जियनशिप हमें ये दोनों को सम, अंतर समझना होगा व्यापहरण का अपराध किडनैपिंग का अपराध लीगल गार्जियनशिप के विरुद्ध नहीं है लाफुल गार्जियनशिप के विरुद्ध है लाफुल गार्जियनशिप जो शब्दावली है यह लीगल गार्जियनशिप शब्दावली से ज़्यादा व्यापक है बड़ी है ये बात को समझना है छात्रों को और प्राय छात्र यहाँ पर कन्फ्यूजन है और गलती करते हैं कि लीगल गार्जियन उनको लाफुल गार्जियन दोनों को लगभग एक ही मानते हैं लाफुल गार्जियन जैसा मैंने बताया वह व्यापक है वाइडर टर्म है लीगल गार्जियन से लाफुल गार्जियन में लीगल गार्जियन सम्मिलित है लाफुल गार्जियन से तात्पर्य ऐसे अभिभावक से है जिसकी अभिरक्षा में जिसके इमीडिएट कैस्टडी में वह बालक अथवा बालिका उस समय हो इस संदर्भ में लाफुल गार्जियन के संदर्भ में वह सर्वेंट भी हो सकता है स्कूल का टीचर अगर मैं क्लास में टीचर हूँ पढ़ा रहा हूँ तो यह छात्र के इन छात्र सभी छात्रों के परिप्रेक्ष्य में रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे उस समय लाफुल गार्जियन हूँ मेरे देख रेख में लोग हैं मैं अगर प्रिंसिपल हूँ इस स्कूल का या कॉलेज का तो इस स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते अगर 10 से 5 का विद्यालय है तो उस 10 से सुबह 10 बजे से 5 बजे तक के स्कूल में जो प्रिंसिपल है वह वहाँ का लाफुल गार्जियन है यदि वहाँ से किसी बच्चे को ले जाया जाता है प्रिंसिपल की अनुमति के बिना तो उस व्यक्ति को भी हम किडनैपिंग के अपराध का दोषी मान सकते हैं क्योंकि वह बालक उस समय जिस समय उसको वहाँ से ले जाया गया वह प्रिंसिपल के लाफुल गार्जियनशिप में था वह विधिपुर्ण संरक्षकता में था हो सकता है माता पिता के संरक्षकता में न रहा हो लेकिन उस समय वह यदि विद्यालय में पढ़ रहा है स्कूल में है तो वहाँ के प्राचार्य प्रिंसिपल के संरक्षकता में है वार्डन हॉस्टल है जो हॉस्टल के वार्डन होते हैं वार्डन भी है, गार्जियन है लॉफुल गार्जियन है लीगल गार्जियन नहीं है बट लॉफुल गार्जियन है यदि छात्रावास से किसी छात्र को ले जाया जाता है वार्डन की अनुमति के बिना तो उस छात्र के जो 16 वर्ष से कम आयु का बालक है या बालिका है और वार्डन की अनुमति के बिना ले जाया गया है तो उससे जो ले जाने वाला व्यक्ति है जो किडनैपर है जिसने किडनैपिंग किया है उसको भी हम आईपीसी के इन सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तीन सौ के अंतर्गत मान सकते हैं कि उसने किडनैपिंग का अपराध किया है तो हमने देखा कि वार्डन हॉस्टल का जो वार्डन है वह वा भी उन बच्चों के लिए लाफुल गार्जियन है स्कूल का प्रिंसिपल लाफुल गार्जियन है यदि ड्राइवर है कार का ड्राइवर कार लेके जा रहा है उसमें बच्चा बैठा है स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है वहाँ से कोई इसको उठाता बच्चों को ले जाता है तो उस बच्चे के अपहरण के व्यापहरण के किडनैपिंग का दोषी वह माना जाएगा किडनैपर क्योंकि बच्चे जो हैं वह उस समय उस ड्राइवर के ही अभिरक्षा में माना जाएगा माना जाएगा कि उसकी लॉफुल कस्टडी से वे बाहर ले जाए गए या बस का ड्राइवर हो बस में बच्चे जा रहे हैं तो ये जो धारा तीन के प्रावधान हैं कि व्यापहरण का अपराध विधिपूर्ण संरक्षकता के विरुद्ध है और विधिपुर्ण संरक्षक किसे कहते हैं विधिपुर्ण संरक्षक की सहमति के बिना यदि ले जाया गया है तो यह किडनैपिंग का अपराध होगा और यदि विधिपुर्ण संरक्षक की सहमति से ले गया है तो ऐसी स्थिति में वह अपराध नहीं क्योंकि विधपुर्ण संरक्षक की सहमति यहाँ पे बालक की सहमति से अगर कोई उसे ले गया हो तो बालक की सहमति इमेटीरियल है और तब भी माना जाएगा कि वह किडनैपिंग के अपराध का दोषी है क्यों क्योंकि ये जो एज है 16 वर्ष और 18 वर्ष की आयु है कानून ये मानती है लाप्रज्यूम करती है कि यह जो निश्चित आयु है इस आयु के बालक मानसिक रूप से इतने परिपक्व नहीं होते कि वह अपने विषय में अच्छे और बुरे का निर्णय कर सकें तो 16 वर्ष से कम आयु के बालक की सहमति से अगर वह किसी दूसरे के साथ जाता है तो भी किडनेपिंग का अपराध होगा अट्ठारह वर्ष से कम आयु का बालिका है अगर किसी के सहमति से जाती है तो भी वह किडनैपर माना जाएगा क्योंकि यह अट्ठारह वर्ष से कम आयु की बालिका को लॉ ये मानता है कि यह मानसिक रूप से इतनी परिपक्व नहीं है कि वो अपने विषय में उचित फैसला निर्णय ले सकती है तो इनके सहमति को इमेटीरियल कहा गया इसीलिए लिए लाफुल गार्जियन की यहाँ पे सहमति कही गई कि उनकी सहमति के बिना अगर इनको ले जाया जाता है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा किडनैपिंग का अपराध होगा तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि लाफुल गार्जियन क्या है लीगल गार्जियन क्या है दोनों में अंतर और यह जो अपराध किडनैपिंग का है लीगल गार्जियन के विरुद्ध नहीं है लाफुल गार्जियन माना जाता शब्दावली यूज की गई है जिसको कि आप सभी को ध्यान देना है अब इस स्लाइड के अंतर्गत आप देखें अपहरण शब्दावली यूज की गई धारत तीन इसमें एबडेक्शन को परिभाषित किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्व उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है कहा जाता है अर्थात धारा तीन के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को विवश करता है या प्रवंचनापूर्ण धोखे से उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है वह अपहरण का अपराध करता है ये धारा तीन में दिया गया है अब जैसा कि मैंने बताया दृष्टांत के माध्यम से अपहरण और व्यापहरण के में डिफरेंस क्या है इस पर केस लॉ उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण केस लॉ क्या हैं, तो पहले देखेंगे कि जो शब्दावली यूज की गई है धारा 360 के अंतर्गत 361 के अंतर्गत और तीन के अंतर्गत उनको यदि हम देखने का प्रयास करें तो ये पाते हैं कि जो अपहरण का अपराध है एबडक्शन है वह कंटिन्यूइंग अपराध है वह एक अनवरत अपराध है जहाँ जहाँ व्यक्ति को ले जाया जाता है वहाँ पर एक अन्य अपराध जबकि हम एबडक्शन जो किडनैपिंग है बाल चोरी का अपराध है वह उसी क्षणपूर्ण वह उसी क्षण कंप्लीट हो जाता है जैसे अभिभावक के विधपूर्ण अभिभावक की सदस्यता से बालक को अथवा बालिका को बाहर ले जाया जाता है अब उस धारा तीन के अंतर्गत एक शब्दावली प्रयोग की गई है कि जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे एक बालक अथवा बालिका को जो 16 वर्ष से कम आयु का यदि पुरुष 18 वर्ष से कम आयु की यदि स्त्री है तो उसे इंटाइस किया जाता है अथवा ले जाया जाता है इंटाइस वर्ड जो यूज किया गया है मतलब उकसाना प्रलोभन देना ऐसा कोई एलोरमेंट एलो एल्योरमेंट या प्रलोभन मोटिवेशन ऐसा कोई भी कृत्य करना कार्य करना जिससे कि व्यक्ति के मस्तिष्क स्थिति को प्रभावित करके प्रलोभित किया जाए कि उसके उसको उसके साथ जाने में फ़ायदा है उसका बेनिफिट है तो यह उकसाने की श्रेणी में आएगा और वह व्यक्ति जो उकसा रहा है और लाफुल गार्जियंस विधिपुंट संरक्षकता से संरक्षक की अनुमति के बिना उसको ले जा रहा है वह एक अपराध करता है धारा तीन के अंतर्गत किडनैपिंग किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप वे सभी कृत्य जो ऐसे बालक अथवा अवयस्क बालक अथवा बालिका को विधिपुर्ण संरक्षकता से बाहर ले जाने के लिए प्रलोभन दिए जाते हैं उकसाया जाता है आर्थिक रूप से पैसे का प्रलोभन हो सकता है या अन्य कोई सांसारिक वस्तु जिससे वह व्यक्ति प्रलोभित हो जाए अवय बालक प्रलोभित हो जाए उसे ले जाना वह इंटाइस वर्ड के अंतर्गत माना जाएगा और उस कृत्य को उस एक्ट को किडनैपिंग के अंतर्गत लाया जा सकेगा और उसे किडनैपर मानते हुए दंडित किया जा सकता है अब इसमें दो महत्वपूर्ण केस हैं जिसको हम ये समझने का प्रयास प्रयास करेंगे पहले कि किडनैपिंग को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिफाइन किया कैसे किडनैपिंग के अपराध को एक मामले में कैसे एलोबरेट किया तो उसमें एक केस देखें पहला ही केस लिखा हुआ है मैंने विश्वनाथ बनाम स्क्रीन पर देखें विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आई आर उन्नीस दूसरा केस है वरदराजन बनाम मद्रास राज उन्नीस तीसरा है अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज ए 2001 सुप्रीम कोर्ट तो सबसे पहले वरदराजन की लेते हैं यस वरदराजन बनाम मद्रास राज ए आई आर सुप्रीम कोर्ट मुझे ऐसा लगता है कि सभी छात्र इस केस को जानते होंगे या बहुत लीडिंग केस है हो सकता है कि किडनैपिंग से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किडनैपिंग के अपराध को बनाम मद्रास राज की केस में करने का प्रयास किया जो किडनैपिंग से संबंधित कानून है उसको इस मामले में पहले इसका तथ्य देखेंगे तथ्य के पश्चात सुप्रीम कोर्ट का फैक्ट क्या निर्णय इसमें आया यदराजन को तथ्य को कैसे लिखेंगे या लिखित परीक्षा में जो बताने का प्रयास कर रहा हूं प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद किडनैपिंग से संबंधित नहीं है तो उसके लिए यश वरदराजन का केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हरियाणा राज्य बनाम ऐसे मतलब ये जब तक हम केस के फैक और मेंस मुख्य परीक्षा में उस केस के तथ्य को एलोबरेट करने का प्रयास करते हैं लिखने हैं विस्तार से तथ्य इस प्रकार से थे कि यश वरदराजन को एक बालिका को जो कि ग्रेजुएशन कर रही थी उसे उसके माता पिता की अनुमति के बिना सहमति के बिना संरक्षकता से भगा ले जाने का बाहर ले जाने का अपराध अभियोग पंजीकृत किया गया था अभियोजित किया गया था अर्थात यशवरदराजन के ऊपर यह आरोप था कि वह एक अवयस्क बालिका को उसके माता पिता की सहमति के बिना उसके संरक्षकता से बाहर ले जाने के लिए अपहरण के अपराध का दोषी है परंतु अभियोजन के द्वारा सरकारी पक्ष के द्वारा अभियोजन न्यायालय के समक्ष भीषण न्यायालय के समक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था जिससे अभियोजन यह साबित कर सके कि अभियुक्त के द्वारा बालिका को प्रलोभित किया गया था और उसके माता पिता की सहमति के बिना उसे ले जाया गया था जैसा कि इस मामले में साक्ष्य था न्यायालय के समझ कि यशवरधराजन को उस बालिका ने ही एक निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर आने के लिए कहा था और इस बात की स्वीकारोक्ति स्वयं बालिका ने भी न्यायालय के समझ कहा यद्यप कि जिस दिन वह बालिका अपने माता पिता के घर छोड़ी और अपने प्रेमी यश वरदराजन प्रेमी के साथ घर से भागी उस दिन वह अट्ठारह वर्ष से कम आयु की थी लेकिन जिस दिन वह विवाह करने के लिए रजिस्ट्रार के समझ न्यायालय के समक्ष गई उस दिन वह अट्ठारह वर्ष की आयु लगभग कंप्लीट कर चुकी थी अब यहां पर प्रश्न यह था कि क्या इस मामले में यश राजन मामले में बालिका के द्वारा स्वयं यश राजन को अभियुक्त को इंस्टिगेट करना उकसाना उसके अपने साथ चलने के लिए बताए गए स्थान पर वरदराजन का पहुंचना बालिका के साथ वहाँ से जा कर के न्यायालय के समक्ष विवाह करना और बालिका के द्वारा स्वयं स्वीकार करना कि मैंने ही ये सारे प्रस्ताव मैंने ही सारे योजना प्लान बनाई थी क्या इन साक्षियों के आधार पर धारा तीन के अंतर्गत जो एक तत्व है कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से बाहर ले जाना भगा ले जाना या भाग ले जाने के लिए इंटाइस करना प्रलोभन करना यह तत्व तो इस मामले में मौजूद है या नहीं है यदि यह तत्व तो मौजूद है तो यशवरधराजन किडनैपिंग के अपराध के दोषी होंगे अन्यथा नहीं चूंकि उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि बालिका के द्वारा अठारह वर्ष कम आयु की बालिका के द्वारा पूरी योजना का निर्माण करना अपने प्रेमी यशवर्धराजन को एक निश्चित स्थान पर बुलाना और निश्चित स्थान पर बुलाने के लिए अपने प्रेमी यशवर्धराजन को इशारा करना और वहाँ से न्यायालय में विवाह के लिए न्यायालय में रजिस्ट्रार के समक्ष ले जाना यह साबित होता है कि इस सभी इस सभी साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें अभियुक्त ने न तो प्रलोभन दिया है और न तो विधिपूर्ण संरक्षकता से सहमति के बिना अभिभावकों की सहमति के बिना उस 18 वर्ष की कम आयु की बालिका को ले आया है अतः यशवर्धराजन अपह किडनेपिंग के अपराध के व्यापहरण के अपराध के दोषी नहीं है तो इस मामले में यशवरधराजन के अपराध को यशवरधराजन को किडनेपिंग के अपराध का दोषी नहीं माना गया इम्पॉर्टेंट केस इसमें यह है जैसा कि मैं बता रहा था किडनैपिंग के अपराध के विषय में सबसे जो महत्वपूर्ण वाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया राजन बनाम मद्रास राज का अभी जश मैंने उसका तथ्य बताया और उच्चतम न्यायालय का संप्रेषण उस मामले में क्या आया इतना ही संक्षेप में मुख्य परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षा में लिखना होता है पूरे साक्ष्य की आवश्यकता नहीं कि पूरे साक्ष्य को उसमें एलोबरेट किया जाए संक्षेप में इतना लिखना है अब एक दूसरा उच्चतम न्यायालय का जो महत्वपूर्ण वाद है इसमें वह किडनैपिंग के ऑफेंस को और क्लैरिटी प्रदान करता है स्पष्टता प्रदान करता है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ केस का नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज राजा राम ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी थ्री सुप्रीम कोर्ट हरियाणा राज्य बनाम राजा राम ए आई आर नाइनटीन सेवेंटी थ्री सुप्रीम कोर्ट अब इस केस में जो तथ्य घटित हुआ उस केस के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि इन वर्ड जो यूज किया गया है कि अवयस्क बालक अथवा बालिका को विधिपूर्ण संरक्षकता से ले जाने के लिए या उकसाना ये कब माना जाएगा इंटाइस वर्ड क्या है उसकी शब्दावली को विस्तार से उच्चतम न्यायालय ने 1973 में हरियाणा राज्य बनाम राजा राम के वाद में विस्तार से उसकी चर्चा की तथ्य इस प्रकार से थे कि राजा राम इस मामले में एक बालिका को अवयस्क बालिका को उसके माता पिता की सहमति के बिना उसके प्रेमी से मिलवाने के लिए उसको झूठे प्रलोभन देता है कि यदि वह उसका यदि वह बालिका जो कि बालिका अपने प्रेमी प्रेमी का नाम जयनारायण था उस जयनारायण प्रेमी के साथ वह विवाह करना चाहती थी और प्रायः उससे मिलना चाहती थी परंतु पिता को ये बात मंजूर नहीं थी उसकी पुत्री अभयस्क पुत्री उस जयनारायण व्यक्ति के पास जनारायण नाम के व्यक्ति के जयनारायण नाम के व्यक्ति के पास घर पे जाए राजा राम नाम का व्यक्ति जो इसमें मीडिएटर था मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था उसने उस बालिका को इस बात के लिए प्रेरित किया कि यदि वह अपने प्रेमी जयनारायण के घर जाएगी तो वह अपने पिता से ज़्यादा पिता के घर से ज़्यादा सुख संपन्न और उसको खुशी प्रदान करेगा इस आश्वासन के साथ वह अवयस्क बालिका एक दिन अपने प्रेमी जनरायन के घर चली जाती है अभिभावक के द्वारा उस बालिका के पिता के द्वारा पुलिस को सूचित किया जाता है एफ दर्ज की जाती है और बालिका के विधिपुर्ण संरक्षकता से माता पिता की सहमति से बाहर ले जाने के आरोप में राजाराम और उसके प्रेमी जनरायन के विरुद्ध किडनैपिंग की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है बालिका के द्वारा पुलिस को और न्यायालय के समक्ष ये बयान दिया जाता है कि उसका प्रेमी जब वह उसके घर पे गई प्रेमी के घर पे, जनायन के घर पे गई तो उसके द्वारा उसके साथ ब्लासंग रेप करने का अटैम्प्ट किया गया और राजा राम जो मध्यस्थ है वह उस बालिका को बड़े बड़े सपने दिखा करके कि वह अपने माता पिता का घर छोड़ देगी तो वह अपने प्रेमी के साथ ज़्यादा खुश रहेगी ऐसा प्रलोभन देकर के उस बालिका को ले गया ये बालिका का बयान स्टेटमेंट कथन न्यायालय के समझ आता है अब इन साक्षियों के आधार पर उसके प्रेमी नारायण को भारतीय संहिता की धारा 376 के अंतर्गत ब्लासंग रेप करने के आरोप में दो सिद्धि की गई और राजा राम जो मध्यस्थ था उसको धारा 361 के अंत उसके कृत्य को उसके कार्य को धारा थ्री सिक्सटी वन के अंतर्गत अपहरण का कृत्य मानते हुए धारा तीन सौ के अंतर्गत उसको दो सिद्धि प्रदान की गई उच्चतम न्यायालय ने राजा राम के द्वारा राजा राम के द्वारा किए गए कार्य को कैसे इंटाइस शब्दावली के अंतर्गत लाया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया वह आप इस विचार से सहमत हो सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह संप्रेषित किया गया कि मध्यस्थ राजाराम के द्वारा उस अवयस्क बालिका को यह कहना कि माता पिता से ज़्यादा सुख उसका प्रेमी उसके घर पे देगा और उसके मस्तिष्क को इतना प्रभावित किया जिसके वसीभूत होकर वह माता पिता की अनुमति के बिना वह बालिका मध्यस्थ राम के साथ चली गई अपने प्रेमी जनरायन के घर अतः राजा राम के द्वारा जो बालिका को उकसाया गया वह उसके उकसाने के कृत्य में आएगा और किडनैपिंग का अपराध के लिए उसे दोषी माना जाएगा ये दो केस हो गए यशवर्धराजन का और हरियाणा राज्य बनाम राजा राम का जिसके माध्यम से किडनैपिंग के अपराध को और आप बेहतर से समझ सकते हैं ऐसे ही दो केस लॉ हैं अपहरण से संबंधित जो एबडक्शन है उस एबडक्शन को आप दो केस के माध्यम से समझ सकेंगे उसमें उच्चतम न्यायालय का दो केस है मैं उसको रेफर करना चाहूँगा पहला केस विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है महत्वपूर्ण वाद उस महत्वपूर्ण वाद में आप देखें पहला ही है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट और तीसरा केस अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य ए आई सुप्रीम कोर्ट इस केस को कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार अपहरण केस के नाम से भी जाना जाता है दो केस को हम इस दो केस के फैक्ट तथ्य को पहले डिस्कस करेंगे और उसके पश्चात उच्चतम न्यायालय का इसमें क्या निर्णय आया वह बताने का प्रयास करेंगे विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ये केस न केवल यहाँ इम्पॉर्टेंट है बल्कि आईपीसी की धारा सौ के अंतर्गत भी इम्पॉर्टेंट हंड्रेड के अंतर्गत कुछ ऐसे मामले होते हैं हर पेपर में कानून के हर पेपर में प्रत्येक पेपर में जो कि एक लॉ एक केस सुप्रीम कोर्ट का उसका उल्लेख उसका रेफरेंस कई धाराओं में आता है तो छात्रों में जिस दिन यह रणनीति या यह स्किल डेवलप हो जाएगी कि यह कनेक्ट करने का लॉ कोई अपने आप में आइसोलेशन नहीं है जब हम एक लॉ को पढ़ रहे होते हैं तो उसका अगर हम दूसरे किसी लॉ से कनेक्ट करें भारतीय संविधान है आई है सी है कुछ ऐसे पेपर हैं जो इंटरलिंक्ड हैं हम उसको पृथक करके अलग करके नहीं देख सकते हैं वैसे ही कुछ केस हैं सुप्रीम कोर्ट के जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस है अब वह लैंडमार्क जजमेंट है वह चाहे भारतीय संविधान की आर्टिकल इक्कीस के लिए हो वह चाहे सी की बात हो फेयर ट्रायल की बात हो वह आई मतलब आप इस मेनका गांधी केस को देखेंगे कि उनका उल्लेख उस केस का उल्लेख उद्धरण रेफरेंस बहुत सारे कानूनों में आता है उसका केवल और केवल एक कारण है कि उसमें कुछ ऐसे गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जो कानून के लिए कानून में मील का पत्थर साबित हुआ है इसलिए न केवल वह भारतीय संविधान जो देश की सर्वोच्च विधि है वहाँ पर महत्वपूर्ण है बल्कि अन्य कानून में भी उस केस का उद्धरण आता है उस केस को उल्लिखित किया जाता है तो हम जब यह आई पढ़ रहे हैं और ये अपहरण और व्यापहण की धाराओं को पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित जो और भी कानून हैं प्रक्रियात्मक कानून प्रोसीजरल लॉ हैं भारतीय साक्ष्य नियम है उसके सुसंगत धाराओं को देखें कि साबित करने का भार किस पर होगा न्यायालय के समझ कौन मैं बता रहा था कि दो केस जो अपहरण से संबंधित हैं यह विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आई आर का इस मामले में तथ्य इस प्रकार से हैं तथ्य को फैक्ट को लिखेंगे फैक्ट के बाद निर्णय अपने आप आपको महसूस होगा कि निर्णय इसमें क्या आना चाहिए विश्वनाथ को अपने ही बहनोई ब्रदर इन लॉ की हत्या के लिए अभियोजित किया गया था तथ्य इस प्रकार से थे कि विश्वनाथ की बहन अपने ससुराल से नाराज होकर के और अपने भाई विश्वनाथ के घर पे आई हुई थी पति से पारिवारिक कलह से तंग आकर के वह अपने भाई के साथ ही रहने को थी विश्वनाथ अभियुक्त इस प्रस्तुत मामले में अभियुक्त जो विश्वनाथ है उसके घर इस विश्वनाथ अभ्युक्त का बहनोई अपनी पत्नी को अर्थात अभ्युक्त की बहन को लेने के लिए आता है पत्नी अर्थात अभ्युक्त की बहन विश्वनाथ की बहन अपने पति के साथ जाने से मन इनका इनकार कर देती है कि उसका जीवन उसके पति के हाथों सुरक्षित नहीं है तो वह उसके साथ रहने को तैयार नहीं है परंतु यह बात न मानते हुए पति अपनी पत्नी को बलपूर्वक घसीटते हुए वहाँ से ले जाने का प्रयास करता है ऐसा देख कर अभियुक्त विश्वनाथ अपनी बहन को अपने समक्ष अपने ही सामने अपने बहनोई के द्वारा घसीट कर बाहर ले जाते हुए देख करके आक्रोशित हो जाता है आवेशित हो जाता है गुस्से में आ जाता है और अपने ही बहनोई पर वह हमला कर देता है उसकी मृत्यु हो जाती है अब इस प्रस्तुत मामले में उस स्त्री का बलपूर्वक अपने ही पति के द्वारा खींच कर ले जाना अब क्या ये माना जाए कि अपहरण होगा या अपहरण नहीं होगा मात्र पति पत्नी का संबंध उस अपराध को क्षमे कर देगा या क्या पति भी अपनी पत्नी के अप, अपनी ही पत्नी के अपहरण का दोषी हो सकता है अब इस प्रस्तुत मामले में जो धारा तीन के जो थ्री सिक्सटी के जो कंटेंट हैं जो कानून की धारा तीन में लिखा हुआ है यदि हम उसके इंटेंशन पर जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि पति पत्नी का संबंध या रिलेशनशिप उसमें कोई मायने नहीं रखती यदि व्यक्ति किसी को जबरदस्ती बलपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके इच्छा के विरुद्ध मोमेंट को ले जाने के लिए विवश करता है और ले जाता है वह अपहरण का अपराध करता है अतः धारा तीन में लिखी गई बात के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने माना कि वह पति भी अपनी पत्नी के अपहरण का प्रयास कर रहा था और ऐसी स्थिति में उस अपहरण को रोकने के लिए हमलावर को उस हमले को रोकने के लिए कानून में अधिकार दिया गया है हमले को विफल करने के लिए यदि हमलावर की जान भी ले ली जाए तो भी धारा सौ के अंतर्गत क्षम्य होगा इसलिए प्रस्तुत मामले में विश्वनाथ अभियुक्त को उस अपने ही बहनोई की अपनी बहन की अपहरण के लिए दोषी ठहराते अपने अपहरण अपने, अपने उस मृतक जो जो अपने बहनोई को मृत्यु कारित कर दिया धारा सौ का लाभ देते हुए अभियुक्त विश्वनाथ को प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ देते हुए कि अपनी बहन की जान बचाने के लिए बहनोई की मृत्यु कारित करना धारा सौ के अंतर्गत क्षम्य है मानो कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं तो इस केस को हम यहाँ पर देख सकते हैं और धारा हंड्रेड के अंतर्गत भी देख सकते हैं तो हमें दोनों धाराओं में लिखी गई बातों को समझने का प्रयास होगा सेक्शन हंड्रेड भी इसी तरह से हमको याद हो जाएगा उसमें और धारा सौ के अंतर्गत अपहरण और व्यापहरण जो एक ग्राउंड है कि हम प्राइवेट डिफेंस में शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की कब मृत्यु कायद की जा सकती है अपहरणकर्ता की या व्यापहरणकर्ता किडनैपर की या डैक्टर की कब मृत्यु कायद की जा सकती है धारा सौ में दिया हुआ है दूसरा महत्वपूर्ण वाद इसमें है अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य ए आई आर दो हजार एक स्क्रीन पर आप देखें अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य ए आई आर दो हजार एक सुप्रीम कोर्ट यह दिस केस इज पॉपुलरली नोन एज फिल्म एक्टर राजकुमार एडक्शन केस अर्थात कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार अपन केस के नाम से भी जाना जाता है सभी छात्रों को यह ज्ञात होगा कि कर्नाटक राज्य में कुछ समय पूर्व चंदन तस्कर बिरपन के नाम से जाना जाता था इस केस का फैग तथ्य क्या है मैं पहले उस तथ्य को बताऊंगा उसके पश्चात उच्चतम न्यायालय का इस मामले में निर्णय क्या आया तत्पश्चात आप ये जान सकेंगे कि यह केस कैसे अपहरण से संबंधित और अपहरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैसे हस्तक्षेप किया गया और इस केस के पश्चात अपहरण और व्यापहण में अंतर बताने का प्रयास करेंगे तो मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि अपहरण से संबंधित उच्चतम तो न्यायालय का दूसरा महत्वपूर्ण वाद है अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य ए 2001 सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में एक घटना घटित हुई जब वहाँ पर दक्षिण भारत का लोकप्रिय अभिनेता राज कुमार को चंदन तस्कर बिरपन के द्वारा अपहरण कर लिया गया एक दिन सूचना मिली कि कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार का बिरपन चंदन तस्कर बिरपन के द्वारा अपहरण कर लिया गया यह पूरे प्रदेश में उस फिल्म अभिनेता की लोकप्रियता के चलते पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न हो गया लोगों ने अपने लोकप्रिय अभिनेता के अपहरण की सूचना प्राप्त होने पर सरकार पर दबाव बनाने लगे आंदोलन आंदोलन के लिए उतारू हो गए और आंदोलन करने लगे कि यह राज्य सरकार की विफलता है कि उसके एक लोकप्रिय नेता के जान माल की रक्षा करने में राज्य सरकार विफल रही फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण न केवल राज्य के लिए बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की विफलता को विफलता के रूप में देखा जा रहा था तत्पश्चात चंदन तस्कर बिरपन के द्वारा प्रदेश सरकार के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे गए कि जो चंदन तस्कर बिरपन के जितने भी सहयोगियों को राज्य सरकार ने जेल में बंद कर रखा है उन सभी अभियुक्तों को अर्थात चंदन तस्कर बिरपन के सहयोगियों को यदि सरकार छोड़ने को तैयार हो उनके विरुद्ध लगाए गए टांडा जैसे जघन ने अपराध को वापस ले ले दो तीसरा च, चंदन तस्कर बिरप्पन के विरुद्ध जितने भी आपराधिक अभियोग हैं यदि राज्य सरकार वापस ले ले तभी जा के वह फिल्म अभिनेता राजकुमार को रिहा करेगा सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखने पर कुछ दिनों तक सरकार ने राजकुमार के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने का प्रयास किया कि वे सभी अभियुक्त जो राजकुमार के अपहरण में संलिप्त हैं उनको पहले गिरफ्तार किया जाए परंतु राज्य सरकार असफल होता हुआ राज्य सरकार अपने को असफल महसूस करते हुए अब प्रस्ताव को मानने के लिए कई दिन ऐसा हो गया धरना देते हुए और आंदोलनकारी जनता वहाँ पे राज्य सरकार ने बिरपन की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया कि यदि उसकी शर्तें स्वीकार नहीं की जाएंगी तो हो सकता है कि उसके द्वारा दी गई डेडलाइन समय सीमा कि अगर एक जिस दिन वह सूचना दी गई कि अगर यह सूचना प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर यदि राज्य सरकार कदम नहीं उठाती है तो उस लोकप्रिय नेता राज कुमार की हत्या कर दी जाएगी यह राज्य सरकार के लिए और बड़ी समस्या होती कि वो अपने लोकप्रिय अभिनेता को बचा नहीं पाती राज्य सरकार और जनता का दबाव जनता आंदोलन जनता हिंसक हिंसा पे उतारू थी अतः ऐसी परिस्थितियों इन सभी परिस्थितियों से घिरा देकर के राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया कि चंदन तस्कर बिरप्पन और उनके अन्य सभी उसके अन्य सभी सहयोगियों के विरुद्ध लगाए गए आपराधिक अभियोग को वापस लिया जाएगा और जो उसके सहयोगी जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाएगा इस प्रस्ताव से अभी यह प्रस्ताव स्वीकार ही किया गया था कि अब्दुल करीम नाम का एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत कर देता है जो कि अपने पुलिस अधिकारी पुत्र को चंदन तस्कर बिरप्पन के गिरफ्तार करने के दौरान चंदन के घने जंगलों में बिरप्पन के द्वारा हमला करके इसमें याचिकाकर्ता अब्दुल करीम के पुत्र की मृत्यु कायत कर दी गई अब्दुल करीम का उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया याचिका प्रस्तुत की गई कि याचिकाकर्ता अब्दुल करीम के पुत्र पुलिस अधिकारी की शहादत बेकार जाएगी यदि प्रस्तुत मामले में राज्य सरकार चंदन तस्कर बिरपन के आगे घुटने टेक देगी और सभी अपराधियों को बाहर कर देगी मुक्त कर देगी इसके लिए कोई दूसरा माध्यम अपनाया जाए वरना याचिकाकर्ता के पुत्र जो शहीद हो गया था उसकी शहादत बेकार जाएगी याचिकाकर्ता के स्तर को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया कि कोई आप दूसरा विकल्प इसमें अख्तियार करें कोई दूसरा विकल्प तैयार करें और राजकुमार को छुड़ाने के लिए अब्दुल करीम के पुत्र की शहादत को बेकार नहीं होने दिया जाएगा चाहे वह भले ही आपको अन्य कोई भी माध्यम अख्तियार करना पड़े अभित्वों को पकड़ने के लिए लेकिन न तो उन अपराधियों को जिसमें कि अब्दुल करीम के पुत्र ने अपनी जान की बाजी लगा करके के पकड़वाया था उनको न तो रिहा किया जाएगा और न तो चंदन तस्कर के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन वापस लिए जाएंगे अब उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया और राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया कि किडनेपिंग या जो अपहरण का मामला है इसको राज्य सरकार अपने तरीके से निपटाए और इसमें दो काम नहीं करने हैं एक तो ये कि न तो राज्य सरकार को घुटने टेकना है न तो राज्य सरकार को अभियुक्तों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन वापस लेने हैं और न तो अभियुक्त को अभियुक्तों को अपराधियों को रिहा करना है तो ये मैं बता रहा था कि अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य ए आई सुप्रीम कोर्ट के बाद में कैसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप के पश्चात राज्य सरकार को बिरप्पन और उसके सहयोगियों को रिहा करने और उन सभी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन वापस लेने के आरोप को वापस लेने के निर्णय को पुनः विचार करने के लिए और राज कुमार अभिनेता को छुड़ाने के लिए जिसका अपहरण कर लिया गया था उसको छुड़ाने के लिए राज्य सरकार कोई अन्य तरीके अपनाए न कि अभियुक्तों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन को वापस लेकर के अतः तो इस न्यायालय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के पश्चात राज्य सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया और ये डिसाइड किया कि अब इस मामले में राजकुमार अपहरण मामले में कन्नड़ फिल, फिल्म कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार को रिहा करने के लिए हम मध्यस्थता कर अपना कोई जो मध्यस्थ होंगे उनका रास्ता अख्तियार करेंगे अपनाएंगे और उसके बिरप्पन के सहयोगियों को बिरप्पन के साथियों को न तो छोड़ा जाएगा न तो उनके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन वापस लिया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि एक किसी स्टेट में जो अपहरण का अपराध है अगर फिल्म अभिनेता जैसे लोकप्रिय व्यक्ति की अगर अपहरण कर लिया जाए और राज्य को यह इस स्तर पर आ जाना पड़े कि किसी बड़े अपराधी की मांग के लिए वह उसके सहयोग उनके साथ जुड़े हुए अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोग को वापस लेना उनके खिलाफ मुकदमों को वापस लेना सारी धाराओं को हटाना अपराधियों को रिहा करने की स्थिति आना और यह केवल संभव हो सका उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से अभी स्टेट ने अपने मामले को विड्रॉ किया वापस लिया तो ये दो केस मतलब अपहरण में हैं जो विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य जिसके माध्यम से आप अप, अपहरण के तत्वों और अपहरण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण को भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं अब आते हैं व्यापहरण और अपहरण के अपराध में बेसिक अंतर क्या है ये भी प्रारंभिक परीक्षाओं में भी एक क्वेश्चन इस पर रहता है और मुख्य परीक्षा में भी इस पर एक क्वेश्चन रहता है दोनों में बेसिक अंतर क्या है कोई भी इंडिया के किसी भी स्टेट में यदि जुडिशरी का एग्जाम होना है और वहाँ पे आईपीसी स्वाभाविक रूप से होगी निश्चित रूप से अपहरण और व्यापहरण से मिला करके एक दो क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में और मुख्य परीक्षा में भी एक क्वेश्चन रहता ही रहता है तो हम इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है एक कम्पटेटिव चार्ट के माध्यम से देख लें और जो एबडक्शन किडनैपिंग का अपराध है और जो अपहरण का अपराध है व्यापहरण और अपहरण में दोनों में धाराओं के अंतर्गत उनके ग्राउंड के आधार पर नेचर के आधार पर हम और पनिशमेंट के आधार पर अंतर स्थापित कर सकते हैं तो पहला लेते हैं कि व्यापहरण और अपहरण के अपराध में मौलिक अंतर क्या है पहला डिफरेंस है कि व्यापहरण का अपराध एक निश्चित आयु के व्यक्ति के विरुद्ध होता है वह निश्चित आयु है कि पुरुष है तो 16 वर्ष से कम आयु का हो और यदि स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु की हो एक निश्चित एज के विरुद्ध अपराध है किडनैपिंग का जैसा कि शब्दावली से अस्पष्ट है बाल चोरी परंतु अपहरण का अपराध किसी निश्चित आयु के नहीं है अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है बस एज का जो पहला डिफरेंस हो गया हम करते हैं समझने के लिए एज के आधार पर उम्र के आधार पर अब दूसरा अंतर करते हैं नेचर के आधार पर प्रकृति के आधार पर दोनों में क्या डिफरेंस है एक साइड हम लिखते हैं नेचर दूसरे साइड लिखते हैं अपराध का नाम प्रकृत जो जो नेचर के आधार पर डिफरेंस है वो ये है कि व्यापहरण का अपराध जो किडनैपिंग का अपराध एक कंप्लीट ऑफेंस है अर्थात उसी पूर्ण हो जाता है जैसे ही बालक को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से अनुमति से बाहर ले जाया जाता है एट दैट वेरी टाइम दैट ऑफेंस इज़ कम्प्लीट यह है किडनेपिंग का अपराध विधिपूर्ण संरक्षकता से जैसे ही उस संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाता ले जाया जाता है उसी क्षण किडनेपिंग का अपराध पूर्ण हो जाता है अपहरण के अपराध में क्या है कि अपहरण का अपराध कंटिन्यूइंग ऑफेंस है जिन जिन स्थानों पर रखा जाता है उन उन स्थानों पर एक अलग अपराध के लिए वह अपहरण एक अलग अपराध होता है अपहरण एक विशिष्ट आशय के साथ जब तक नहीं है तब तक वह अपहरण अपने आप में अपहरण किस लिए फिरौती के लिए रैमसम मनी के लिए अपहरण किस लिए हत्या के लिए अपहरण किस लिए हुआ स्त्री का वैश्यावृत्ति के लिए प्रॉस्टिट्यूशन के लिए तो अपहरण यदि विशिष्ट आशय के साथ किया जाना आवश्यक है जबकि व्यापार जबकि किडनैपिंग में विशिष्ट आशय का होना आवश्यक नहीं है बाल चोरी अपने आप में स्वतः अपराध है संरक्षक से अनु संरक्षकता की लॉफुल गार्जियनशिप में संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाना एक कंप्लीट ऑफेंस है जबकि इसमें एक विशिष्ट आशय का होना आवश्यक है अब नेक्स्ट दो नेक्स्ट व्यापहर और अपहरण में डिफरेंस क्या है कि यह भारत की सीमा से बाहर अथवा लाफुल गार्जियन से बाहर किया गया है तीन सौ उनसठ तीन सौ साठ दो धाराओं में बात की गई है कि भारतीय भूभाग से बाहर ले जाना भी किडनैपिंग का अपराध माना जाएगा जबकि अपहरण के लिए भारतीय भूभाग से बाहर ले जाने का भारतीय भूभाग के भीतर ही इच्छा के विरुद्ध उस व्यक्ति को किसी स्थान को ले जाना वह अपहरण का अपराध गठित करता है तो ये जो सहमति है कंसेंट है सहमति के आधार पर हम अगला जो नेक्स्ट डिफरेंस कर सकते हैं वह सहमति के आधार पर दोनों में अंतर स्थापित किया जा सकता है किडनैपिंग का अपराध जो व्यापहरण का अपराध है वह सहमति के बिना किया जाता है अपहरण का अपराध जो है वह सहमति से किया जाता है अर्थात किडनैपिंग के अपराध में सहमति का कोई महत्व नहीं है सहमति कंसेंट महत्वहीन होती है अर्थात जो बालक अथवा बालिका हैं सोलह वर्ष और 18 वर्ष से कम आयु के वे बालक अथवा बालिका इस स्थिति में नहीं होते कि वह अपने विषय में निर्णय ले सकें और यदि वह सहमति से भी किसी के साथ जाते हैं तो भी वह किडनैपिंग का अपराध माना जाता है जबकि अपहरण के अंतर्गत अपहरणकर्ता व्यक्ति पर व्यक्ति को विवश करता है कंपेल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए और सहमति के विरुद्ध उसे ले जाता है उसकी कंसेंट नहीं होती सहमति के विरुद्ध उसे ले जाता है सहमति अपहरण के अपराध को शून्य कर देता है यदि कोई व्यक्ति सहमति से जाता है तो वह अपहरण का अपराध नहीं माना जाता है यह कहा जाता है कि सहमति अपहरण के अपराध को शून्य कर देती है उदाहरण के तौर पर दृष्टांत के रूप में यदि मैं किसी को सहमति दूं कि हाँ मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ आप चलिए तो यह अप, यह अपहरण नहीं माना जाएगा क्योंकि उस एक्ट को मैंने स्वयं सहन सहन किया है स्वीकार किया है लेकिन मुझे यदि इच्छा के विपरीत जाने के लिए विवश किया जाए तो यह कार्य अपहरण माना जाएगा तो एक हो गया सहमति के आधार पर डिफ्रेंस हो सकता है कि अपहरण में सहमति के विरुद्ध ले जाया जाता है बाल चोरी किडनैपिंग में सहमति का कोई रोल नहीं है वह सहमति हो या न हो बालक की सहमति का कोई कानून में कोई अर्थ नहीं है क्योंकि लॉ प्रज्यूम करती है कि ये बालक अथवा तो बालिका सहमति देने के लिए सक्षम नहीं माने जाते तो इस सहमति के आधार पर दोनों में अंतर स्थापित दृष्टांत के माध्यम से इसको और स्पष्ट करें कि सहमति कैसे हम अपहरण उसको माने प्रायः यह प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दृष्टांत के दृष्टांत इसको और स्पष्ट करेगा जैसे इलाहाबाद से मैं कार से चल रहा हूँ इलाहाबाद कार से जैसे मैं आगे बढ़ा तो कोई राहगीर मुझसे मिलता है और कहता है कि मैं भी बनारस के लिए चल रहा हूँ बनारस मुझे लेते चलिए अब मैं उसको अपनी कार में यदि बनारस के लिए बैठा लूँ और बनारस पहुंचने पर मैं उसे बनारस में न रोक करके बनारस से 50 किलोमीटर और आगे मैं किसी रास्ते पर चल देता हूं। अब मेरे द्वारा कौन सा अपराध किया गया इसको परीक्षा में दृष्टांत के रूप में प्रॉब्लम समस्या के रूप में पूछा जाता है जैसे कि को इलाहाबाद से अपनी कार से आ रहा होता है रास्ते में इलाहाबाद में ही उसको रास्ते में ख मिल जाता है और कार में चलने को लिफ्ट मांगता है ख कार में बैठ जाता है ख ने अपने को बनारस तक ले जाने की सहमति दी है तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि दृष्टांत के माध्यम से जो मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम कैसे समस्या का समाधान करें कैसे लिखेंगे उसको तो अपहरण से संबंधित ही मैं समस्या बता रहा था कि क यदि बनारस के लिए इलाहाबाद से निकलता है अपनी कार से और रास्ते में उसको इलाहाबाद में ही ख मिल जाता है ख को बनारस तक ही जाना है अब ख बनारस न उतर करके क अपनी कार में ख को 50 किलोमीटर आगे उतारता है क ने कौन सा अपराध किया तो प्रस्तुत समस्या के आधार पर क ने अपहरण का अपराध किया है क्योंकि जो ख की सहमति थी वह केवल और केवल बनारस तक के लिए ही। बनारस तक जो ख का साथ में जाना था वह कंसेंट्रेटायक्ट है सहमति से किया गया कार्य है परंतु बनारस के पश्चात जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ी होगी ये कदम भी वह उसके इच्छा के विपरीत प्रवंचनापूर्वक उसे ले जाया गया होगा अतः उसकी इच्छा किसी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध जाने को एक स्थान से दूसरे स्थान को विवश करना कंपेल करना यह अपहरण का अपराध माना जाएगा और प्रस्तुत समस्या भारतीय जनसंहिता की धारा तीन पर आधारित है इसको लिखने का जो तरीका है भारतीय जनसंहिता की धारा तीन पर आधारित है तीन सौ बासठ के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं उसके आवश्यक तत्व को लिखेंगे और तत्पश्चात क के आपराधिक दायित्व को, को डिसाइड करेंगे तो यह हो गया दृष्टान्त के आधार पर आ, आ, समस्या को हम कैसे लिखेंगे मुख्य परीक्षा में व्यापहरण और अपहरण के अंतर्गत अपहरण और व्यापहरण में डिफरेंस क्या है इसको जैसे मैंने बताने का किया एक समस्या और प्रायः देखने को आती है व्यापहरण में किडनैपिंग में और अपहरण में वह कभी कभी इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में डिफरेंस पूछ लेता है कि भारत में बाल अपराध से संबंधित और इंग्लैंड में बाल अपराध से संबंधित कानून क्या है एज के डिफरेंस को लेकर के उम्र के डिफरेंस को लेकर के या समस्या आधारित कोई प्रॉब्लम बना करके तो इन सब प्रकार के प्रश्नों को भी अपहरण और व्यापहरण के अंतर्गत देखने के लिए हम एक जो शब्दावली यूज की गई है धारा तीन के अंतर्गत कि व्यापहरण के अपराध के लिए अभियुक्त को तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है दंडित किया जा सकता है जब वह लॉफुल गार्जियन से उसकी सहमति उनकी सहमति के बिना ले जाया गया हो अर्थात दृष्टान्त के माध्यम से दृष्टान्त के माध्यम से भी इसको समझने का और परीक्षाओं में पूछने का प्रयास किया जाता है तो अब व्यापहरण और किडनैपिंग से संबंधित जैसा कि मैंने बताया धारा तीन सौ उनसठ उसको बांटा गया दो भागों में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप फिर उसके बाद 360, 361 हो गया तीन धारा तीन के अंतर्गत किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है तीन के अंतर्गत किडनैपिंग फ्रॉम लाफुल गार्जियनशिप हो गया तीन के अंतर्गत हो गया डिफाइन कर दिया गया एबडक्शन को अपहरण को अब दोनों में तुलनात्मक अध्ययन दोनों में कंपेटिव हमने चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया दोनों में मौलिक अंतर क्या है और इस दोनों पे संबंधित कानून क्या है जैसा कि मैंने बताया तीन सौ उनसठ पे जो इंपॉर्टेंट केस है राजन का केस है हरियाणा राज्य बनाम राजा राम की केस है यह किडनैपिंग से संबंधित और एबडक्शन से संबंधित अपहरण से संबंधित अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य ए आई आर दो हज़ार एक सुप्रीम कोर्ट और विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आर उन्नीस सौ पैंसठ सुप्रीम कोर्ट ये चार केस हैं दो केस अव्यपहरण से दो केस अपहरण से संबंधित हैं चार केस के माध्यम से इनके फैक्ट इनके निर्णय दृष्टांत दोनों में अंतर यह पूरा एक कंप्लीट है मुख्य परीक्षा के लिए रिटर्न परीक्षाओं के लिए कोई भी छात्र यदि इन बातों को ध्यान में रखता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि न तो उसका प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में गलत हो सकता है और न तो उसका प्रश्न लिखित परीक्षा रिटर्न में किडनैपिंग और ऑबडेक्शन से गलत हो सकता है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए और अपहरण और व्यापहरण से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के नवीन वाद हैं ये दो इस चार केस तो लिखेंगे लिखेंगे क्योंकि इसमें बेसिक बेसिक रूल्स ले डाउन किए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किडनैपिंग और ऑबडक्शन से इन दो के अतिरिक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट के अद्यतन वाद हैं रिसेंट केस हैं किडनैपिंग और ऑबडक्शन से उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं और पनिशमेंट को लेकर इसके अतिरिक्त धाराएं भी दी गई हैं कि यदि किडनैपिंग विशिष्ट आशय से किया जाए और या अपहरण जो है किसी विशिष्ट आशय से किया जाए वैश्यावृत्ति के लिए राय फिरौती के लिए हत्या के लिए अपहरण करना भिन्न भिन्न धाराओं में अपहरण को भिन्न भिन्न अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है तो इतना जितनी मैंने बात बताई ये तो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट जो रेस्ट बर, रेस्ट ऑल जो उसमें है कि हत्या के लिए अपहरण करना फिरौती पैसे की उगाही के लिए अपहरण करना विवाह करने के लिए बलपूर्वक किसी स्त्री का बल अपहरण कर लेना उठा लेना उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाना यह अन्य धाराओं में दंडनीय बनाया गया है वह एडवोकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो मैंने बताया अपहरण और व्यपहरण के अंतर्गत चार केस दृष्टांत और इससे संबंधित उसके आवश्यक तत्व उसको लिखेंगे मैं समझता हूँ कि इतनी बातों को आप सभी लोग आत्मसात किए होंगे और यह पूरी जो सूचना मैंने किडनैपिंग और अपडेक्शन के विषय में बताई है निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए चाहे पी सी की हो या जुडिशरी की परीक्षा हो निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस लेक्चर को विराम देता हूँ धन्यवाद थैंक यू